अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार आदाब दोस्तों। एडवांस होम्योपैथी में आप सबों का वेलकम है, स्वागत। आज मैं मिजल्स, रोबेला या खसरा को लेके आप सबों के सामने आया हूँ। दोस्तों, खसरा बहुत ही बर्निंग प्रॉब्लम है, खास करके चेंजेबल वेदर में, जब ठंडा से गर्मी आता है या गर्मी से ठंडा आता है। इस सीजन में यह प्रॉब्लम अक्सर एक साल से दस साल तक के बच्चों को ज़्यादातर देखा जाता है। दोस्तों, खसरा का प्रॉब्लम बहुत ही बर्निंग प्रॉब्लम है बच्चों के लिए, और ये प्रॉब्लम खास करके आरटीआई सिस्टम में है। आरटीआई सिस्टम मतलब रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में लंग्स जो है हमारा कॉन्जेशन हो जाता है, डाइजेस्टिव में भी प्रॉब्लम होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, और बच्चे का कभी कभी पतला पैखाना या डिसेंट्री भी होता है। दोस्तों, मैं लक्षण, सिम्टम्स, कॉज और ट्रीटमेंट लेकर आया हूँ। प्लीज़ जो अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, कमेंट करें, प्लीज़ शेयर करें, चूँकि हमारे आने वाले वीडियो का लाभ आप तक पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि आपके दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुँचे। तो दोस्तों, ये खसरा का सिम्टम होता है, आरटीआई सिस्टम में बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट होता है। मैं बोल दूं, रूबेला या खसरा कॉन्टेजियस डिजीज है, एक से एक दूसरे को होता है। ये खसरा का प्रॉब्लम अक्सर बच्चों में देखा जाता है, लंग कॉन्जेशन होता है, सांस लेने में दिक्कत होता है, पेट में भी बहुत सारे प्रॉब्लम देखा जाता है, कभी डायरिया, डिसेंट्री भी होता है। और ये खसरा जो है, जिस तरह से हमको बाहर में देखने में मिलता है, स्टोमेक, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन, हर जगह इसको देखने में मिलता है, यहाँ तक के हमारे बच्चों के आय को भी इन्फेक्ट करता है। दोस्तों, 102 से 103 डिग्री, 4 डिग्री तक भी फीवर आ सकता है। कभी भी ऐसे बच्चे को जो खसरा हो उसको हैंडलिंग करें तो प्लीज़ हाथ को अच्छी तरह से वॉश करें, नहीं तो हमारे हाथ के इन्फेक्शन के वजह से ही, हाथ में इन्फेक्शन से भी दूसरे को इन्फेक्ट हो सकता है। दोस्तों, ये प्रॉब्लम हमारा बहुत ही बर्निंग प्रॉब्लम है बच्चों के लिए, और इसका वायरस होता है RN, इसका बहुत ही अच्छा, दोस्तों इसका बहुत ही अच्छा मेडिसिन होता है, आप लोग इंटरप्ट ना करें, अच्छी तरह से सुनने की कोशिश करें, स्किप ना करें वीडियो को, नहीं तो फिर आप समझ नहीं पाइएगा। पालसेटिला बहुत ही अच्छा मेडिसिन होता है, 30 दिन में दो मरतबा करके 8 दिन या 10 दिन तक यूज करें। पालसेटिला 30 दो मरतबा करके 8 या 10 दिन तक यूज करें, वरना अगर इसमें डिसेंट्री या डिसेंट्री के साथ ब्लीडिंग हो तो फेरम फॉस्फी 6 दो मरतबा करके 6 दिन दे सकते हैं। दोस्तों, शेयर करता हूँ मैं कभी कभी, जिसमें खसरा का लक्षण तो देखने में मिलता है मगर खसरा नहीं होता है, चूँकि कभी भी खसरा या मिजल्स हो तो आरटीआई सिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पाया जाता है,
अगर कुछ बच्चों को देखा जाता है कि आरटीआई सिस्टम में कोई प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ बदन में रैश या लाल छोटा छोटा दाना सा दिखाई पड़ता है, तो ये कभी अगर कोई एलोपैथी ड्रग लें, जैसे 10 दिन या 8 दिन पहले कुछ मेडिसिन यूज किया गया एलोपैथी सर्दी जुकाम के लिए, जिसके वजह से भी ये प्रॉब्लम कभी देखने को मिलता है, या कभी पार्टी वगैरह में बच्चे का अम्मी बच्चे को लेके चले जाती है और वहाँ खाना पीना 2-4 दिन थोड़ा सा अच्छा खाती है, तो जिसके वजह से भी ये प्रॉब्लम देखने को मिलता है। तो आप लोग होशियार रहें कि कौन मिजिल्स है कौन मिजिल्स नहीं है। अगर बगैर मिजिल्स के पेशेंट को अगर मिजिल्स का दवाई दिया जाए तो इसमें भी बहुत सारे प्रॉब्लम होता है। मैं अपने नंबर को दे दूंगा, आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी के लिए कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। खुदा हाफिज़। जय हिंद।